माघ पूर्णिमा के पर्व को देश भर में मनाया जा रहा है। इस दिन स्नान, दान, तर्पण आदि का विशेष महत्व है। साथ ही इस दिन कल्पवास के व्रत का समापन भी होता है। माघ पूर्णिमा पर इस बार कई शुभ योग बन रहे हैं, जिससे इस दिन का महत्व और भी अब अधिक बढ़ जाता है। पूर्णिमा पर दान देने और तर्पण करने से कई गुना अधिक शुभ फल की प्राप्ति होती है। इसके साथ ही भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी का आशीर्वाद प्राप्त होता है। माघ मास में गंगा स्नान का विशेष महत्व है। अगर आप गंगा स्नान के लिए नहीं जा पा रहे हैं तो घर में ही नहाने के पानी में थोड़ा सा गंगा जल और तिल डालकर स्नान कर लें। माघ पूर्णिमा के दिन नहाने के पानी में तिल अवश्य डालना चाहिए। ऐसा करने से शुभ फलों की प्राप्ति होगी और सौभाग्य में वृद्धि होती है। माघ पूर्णिमा का दिन स्नान व ध्यान के बाद गीता का पाठ करना चाहिए। ऐसा करने से भगवान विष्णु का आशीर्वाद प्राप्त होता है और इसके साथ ही हमारे अंदर मौजूद नकारात्मक ऊर्जा निकल जाती है और सोचने समझने की शक्ति का विकास होता है। साथ ही पारिवारिक सदस्यों में आपसी प्रेम बना रहता है। माघ पूर्णिमा पर रवि पुष्प योग बन रहा है, जिसमें सोना खरीदना शुभ माना जाता है। इस दिन सोना खरीदने के बाद उसे अपने घर मंदिर में मां लक्ष्मी को अर्पित करें। ऐसा करने से लक्ष्मी आपके धन में बरकत करती है। माघ पूर्णिमा पर गंगा जल से स्नान करने के बाद भगवान विष्णु और मां लक्ष्मी का दूध और गंगा जल से अभिषेक करना चाहिए। इसके बाद श्री सूक्त या फिर कनक धारा स्त्रोत का पाठ करना चाहिए। ऐसा करने से मां लक्ष्मी का कृपा हमेशा जातक पर रहती है। माघ पूर्णिमा पर पीपल के पेड़ की पूजा करने का विशेष महत्व माना जाता है। पीपल के पेड़ को भगवान विष्णु का प्रिय माना जाता है। माघ पूर्णिमा का दिन पीपल के पेड़ पर दूध मिश्रित जल चढ़ाएं और घी का दीपक जलाएं। ऐसा करने से आपको भगवान विष्णु के साथ ही पितृगुणों का भी आशीर्वाद प्राप्त होता है। सुख सौभाग्य के लिए माघ पूर्णिमा के दिन प्रदोष काल में भगवान शिव को सफेद चंदन और सफेद फूल अर्पित करें। इसके बाद साबूदाने की खीर का भोग लगाएं। इसके साथ ही चंद्रोदय के समय कच्चा दूध, चीनी और चावल मिलाकर ओम स्त्राम स्त्रीम स्त्रोम सहस चंद्रमशः नमः मंत्र का जाप करते हुए चंद्रमा को अर्घ्य दें। पूर्णिमा के दिन पीपल में लक्ष्मी का वास होता है। इस दिन पीपल पर लोटे में जल, कच्चा दूध और बतासा डालकर अर्पित करें और 5 तरह की मिठाई अर्पित करें। इसके साथ ही तुलसी की भी पूजा करें, लेकिन तुलसी में जल ना दें। ऐसा करने से मां लक्ष्मी प्रसन्न होती है और मनोबल में वृद्धि होती है। माघ पूर्णिमा के दिन भगवान विष्णु के साथ माता लक्ष्मी की भी पूजा करें। पूजा में 11 हल्दी लगी कौड़ियों को माता लक्ष्मी को अर्पित करें। इसके बाद अगले दिन कौड़ियों को लाल कपड़े में बांधकर तिजोरी या अलमारी में रख दें। इसके साथ ही पूर्णिमा की रात को एक पात्र में दूध में शहद और अक्षत मिलाकर चंद्रमा को अर्घ्य दें। ऐसा करने से मनोकामना पूरी होती है और भाग्योदय होता है।